एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक गुलारी में स्थित गांव रेठ पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुनीता देवी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 525 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर गांव में कराए गए विकास कार्यों की जाए तो गांव के वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, 12 खडंजे, 50 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों का भी निर्माण करवाया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 20 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा 100 विद्युत पोल तथा 20 ट्रांसफार्मर लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में बिजली घर, शमशान घाट, इंटर कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 400 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 शौचालयों का निर्माण कराने की केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है। मैं प्रधानपति ग्राम रीठ ब्लॉक शैंसपुर आंशिक जिला संबल तहसील चंदौसी थाना कोट फतेहगढ़। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा की है, जो आज यहाँ पर ऐसे मान लो कम से कम 10-12 किलोमीटर पर लड़के तो चले जाते हैं पर लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत आती है जाने में, उसकी वजह से इंटर कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात विकास मन की स्वास्थ्य के बारे में, अस्पताल तो है पर डॉक्टर समय पर नहीं बैठ पाते हैं, शिकायतें करी हैं लेकिन उससे कोई सुनवाई ना हो पाती ऊपर जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर बिजली के पोल लग गए हैं, लाइट खिंच गई है लेकिन अभी तो लाइन चालू ना हुई, कम से कम 100 पोलों की और ज़रूरत है गांव में। शौचालयों की बहुत बड़ी कमी है, आवास कुछ बन चुके हैं, कुछ पर काम चल रहा है और बहुत से आवास बनने ज़रूरी हैं। कम से कम 400 मकान कच्चे गांव के अंदर अभी बैठ जाएंगे अगर सर्वे के तौर पर, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। कम 10-12 खड़ंजों पर काम हो चुका है, कुछ पर चल रहा है, स्कूल में भी टाइल ईंट बिछ रही है, होली चौक में टाइल ईंट बिछ रही है, आवासों का काम तो चल ही रहा है, कुछ आवासों का काम पूरा हो चुका है, कुछ पर चल रहा है, बहुत से बनने बाकी हैं। मरघट या ही जो हमारे पास मरघट है, मरघट करीब 4 मरघट हैं जिनमें वहाँ पर बारिश के टाइम पे कोई अगर मर जाता है तो फूंकने की या उसे जलाने की बहुत दिक्कत आती है। वहाँ कोई ऐसा इंतजाम नहीं कि बारिश में उसे अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाए। और चौथी मानी पंचायत घर हमारे यहाँ पर नहीं है, बारात घर हमारे यहाँ पर नहीं है, बहुत सी दिक्कतें हैं जो उसको हम झेल रहे हैं और इतना पैसा सरकार नहीं दे पा रही है जितना कि हमारे ऊपर काम है, काम के हिसाब से तो बहुत कम पैसा आ रहा है। सर मेरा अकबर हुसैन नाम है, उर्फ बादशाह। हमारे ग्राम प्रधान काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस पर ग्राम पंचायत में बहुत ही अच्छा काम लेकर चल रहे हैं। हमें विकास की ज़रूरत है और हमें विकास चाहिए, विकास चाहने के बाद में हम ये चाहते हैं वो जगह तो है, वो जगह पे हमारे या तो बारात घर बन जाना चाहिए या हमारे घूरों के गड्ढे हैं वो, या हमारे घूरों के गड्ढे चाहिए वो,